करेंगे आप कि आपके पास हंड्रेड ग्राम कंपाउंड है ये बात समझ आएगी ओ खान साहब दो मिनट को रेस्ट दो समझ लो नहीं तो फिर बाद में समझ नहीं आएगा क्या फायदा आराम से समझ लो सौ ग्राम का ले लिया आपने सौ ग्राम कंपाउंड में कार्बन कितना होगा खान साहब हाइड्रोजन कितना होगा नाइट्रोजन कितना होगा यहाँ से कोई डाउट है यहाँ से कोई डाउट है अब देखिए जो रेशो ली जाती है वो बेसिकली मोल्स की रेशो होती है थोड़ा बात समझिए ये सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स इसका मतलब क्या हुआ एक मोल ग्लूकोस में छ मोल कार्बन है बारह मोल हाइड्रोजन है और छ मोल ऑक्सीजन है ये बात दिमाग में उतरी या नहीं उतरी जो रेशो है भाइयों वो मोल्स की रेशो है कोई डाउट है ये जो रेशो ये जो आपके पास है क्या ये मोल्स है ये तो मास है तो मोल में कैसे कन्वर्ट होंगे ये जो कार्बन है इसको अगर मैं बारह से डिवाइड कर दू मतलब इसके मोलर मास से हाइड्रोजन को एक से कर दू और नाइट्रोजन को चौदह से कर दू तो क्या मेरे पास मोल्स आ जाएंगे भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। रिपीट कर रहा हूँ आराम से सुनिए मिस्टर खान देखिए जरा अरे कैलसी को दो मिनट छोड़ दो यार इतनी चतुराई जो है वो घर पे दिखाओ ना घर पे काम किया करो यहाँ समझने आते हो एक घंटा समझ के जाओ फिर से समझ लीजिए सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स में जो सिक्स इज टू ट्वेल्व इज टू सिक्स है वो किसकी रेश्यो है मिस्टर खान मोल्स की रेशो है जो रेशो बनेगी वन इज टू इज टू वन ये जो रेशो है किसकी रेशो है मोल्स की रेशो है कि कार्बन अगर एक मोल होगा तो हाइड्रोजन दो मोल होगा और ऑक्सीजन एक मोल होगा ये बात दिमाग में घुसी तो किसी भी कंपाउंड में जो रेशो दी जाती है वो मोल्स की रेशो होती है तो अगर आपको मास है यहां जैसे आपको मासस है तो क्या आप इन मास मास को लेके आप काम कर सकते हैं नहीं कर सकते सर क्यों क्यों नहीं कर सकते है? क्योंकि सर हमें मोल्स की रेशियो चाहिए मोल्स की रेशो निकालने के लिए इसको 12 से इसको एक से इसको 14 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा नहीं समझ में ताकि मोल्स की रेशो निकल सके खान साहब अभी भी डाउट है पक्का नींद तो नहीं आ रही तो देखिए ये कार्बन ये हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन जो ग्राम है उसको आपने मोलर मास से डिवाइड कर लिया जब मोलर मास से डिवाइड कर लिया तो आपके पास जो आंसर आया 6.32 6.32 1.26 नहीं समझ में कोई डाउट है पक्का अब देखिए ये सिक्स पॉइंट थ्री टू है ये सिक्स पॉइंट थ्री टू है ये दोनों तो सेम है ये जो है ये वन पॉइंट टू सिक्स है तो वन पॉइंट टू सिक्स मिस्टर खान सिक्स थ्री टू डिड बाय पॉइंट टू सिक्स कितना आता है फाइव पॉइंट तो अप्रोक्सीमेटली फाइव आता है यहां बात समझ आ गई तो मतलब कार्बन जो होगा वो पांच गुना होगा ये बात समझ में आई या नहीं आई जो हाइड्रोजन है वो भी कुछ गड़बड़ है आ, जो हाइड्रोजन है वो भी पांच होगा ये पांच होना चाहिए और जो नाइट्रोजन है वो एक होगा वो तो यहां ये होना चाहिए नहीं समझना श्री खान डाउट है तो रोकिए याद रखिए मासिस की रेशो मत लीजिए यार मोल में कन्वर्ट कर लीजिए और मोल की रेशो लीजिए कोई डाउट है तो रोकिए एक बार आपके पास ये आ गया 6.32 6.32 1.26 तो बेसिकली आप आपके पास ये आ गया कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो सेम होंगे और जो नाइट्रोजन है वो वन होगा ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला है यहां तक मेरे साथ है अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या बोलता है वेपर डेंसिटी थर्टी नाइन पॉइंट फाइव है वेपर डेंसिटी से आप क्या निकाल सकते हैं भाई तरफ मोलर मास निकाल सकते हैं शाबाश बहुत बढ़िया मोलर तो मास जो है वो इसका डबल मतलब इंटू टू कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा मतलब जो आपका मोलिक्यूलर मतलब जो ओरिजिनल है उसका जो मोलर मास है वो सेवेंटी नाइन ग्राम पर मोल है ये आपका ओरिजिनल है आपका जो एम्पेरिकल है उसका मास देख लीजिए ट्वेल्व फाइव दिक्कस हाइड्रोजन का पांच नाइट्रोजन का चौदह तो ये आ रहा है 79 ग्राम पर मोल नहीं समझ में आ से आपको नींद आ रही है जबरदस्त अथर्व तुझे समझ आ रहा है ये 79 ग्राम पर मोल इंपीरिकल का मास है और ये 79 ग्राम पर मोल ओरिजिनल का तो कहने का मतलब एन जो है वो वन है तो मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है और इंपीरिकल फार्मूला जो है वो सेम है और दोनों का जो नाम है वो क्या है सी फाइव एच फाइव एन ये इसका फाइनल आंसर भाई डाउट है ये क्वेश्चन इसलिए सुंदर है ये पुराना क्वेश्चन है आई थिंक 2019 का क्वेश्चन है बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बिकॉज इसमें एक ही क्वेश्चन में काफी फंडे यूज हो रहे हैं इसलिए ये क्वेश्चन बहुत सुंदर है तो पीडीएफ आपके पास है कल वाली जहां पर भी इंपेरिकल और मॉलिकुलर वाले जो भी क्वेश्चन हैं इंक्लूडिंग द क्वेश्चन जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं वो सारे क्वेश्चन अपने आप कीजिए स्टार्ट कीजिए आप निकालिए खान साहब कैलसी और कतर कतर कीजिए शाबाश करिए